Hey guys, welcome back to my channel Binas Kitchen. So, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरीके से मॉर्निंग का जो नाश्ता होता है ना, आप उसको ईजिली बना सकते हो घर पे. हम छोटे बच्चे होते हैं या घर में कोई भी होता है हमारे घर में, उनके लिए मॉर्निंग का नाश्ता बनाना ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम बनाएं तो आखिर क्या बनाएं. तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप आलू से बहुत अच्छी रेसिपी जो है आप बना सकते हो, किस तरीके से आलू का यूज़ करके आप बहुत अच्छी रेसिपी, एक नई रेसिपी जो वो बना सकते हो और उसको खा सकते हो स्पेशली. और बहुत अच्छी रेसिपी बनने वाली है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छी रेसिपी बनने वाली है. आपको आलू को ग्रेट कर लेना है एंड उसके बाद आपको उसको वॉश कर लेना है विद द हेल्प ऑफ वाटर. सारी जितनी भी इसके अंदर जितनी भी गंदगियाँ हैं, जितनी भी चीज़ें, आप उसको निकाल लो एंड सिंपली इसको वॉश करके ना इसको ड्राई कर लो एक स्ट्रेनर के हेल्प से. जितनी पानी है इसके अंदर वो निकाल लो बाहर एंड इसको सिंपली जितना भी है ना आप इसको छून निकाल दो, उसका वाटर निकाल दो. और उसके बाद कट किए हुए अनियंस यानी कि प्याज आप इसमें ऐड कर लो. एंड उसके बाद मैंने यहाँ ऐड किया है, यहाँ पे मैंने कट किया हुआ रेड चिली. अगर आपके पास रेड चिली नहीं है तो आप ग्रीन चिली डाल लो. एंड फिर मैंने यहाँ अदरक ऐड किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे जीरा ऐड किया हुआ है एंड यहाँ मैंने कुछ मसाले ऐड किए हुए हैं, यानी कि मतलब जो नॉर्मल मसाले हमारे घर में अवेलेबल होते हैं वो आप ऐड कर सकते हो. एंड इसके बाद मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है. कोई ज़्यादा फैंसी चीज़ें हम नहीं ऐड किए हैं, जो चीज़ हमारे घर में अवेलेबल होता है वही चीज़ आप ऐड कर लो. एंड सबको मिक्स कर लो अच्छे तरीके से. आप जितनी भी इंग्रेडिएंट्स इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर लो एंड इसको मिक्स कर लो अच्छे तरीके से. ये आपका रेडी हो चुका है अच्छे तरीके से. एंड आपको डो बना लेना है आटे का, ठीक है. आटे का डो आपको, जो आप घर में हम रोटी बनाने के लिए आटे का डो यूज़ करते हो ना, आपको वो आटे का डो बना लेना है. एंड इसके बाद ना आपको इसी तरीके से आगे क्या आपने पहले से बना के रखा होगा तो इसको अच्छे से नीट कर लो आप, अच्छे तरीके से फिर से इसको आप एक तरीके से मिक्स कर लो एंड इसके कुछ बॉल्स बना लो. मैंने यहाँ थोड़ा सा आटा लिया था तो उसके चार ही बॉल्स बने थे, तो मैंने यहाँ इसके चार बॉल्स बना लिए हैं. आप भी चार बॉल से स्टार्ट करो, क्योंकि इतने से ही आपके घर में जितने मेंबर्स होंगे ना उनको सफिशियंट हो जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फिर भी अगर किसी का मन किया तो आप बना सकते हो. इसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से बेल लो. आप इसकी चपाती जैसे आपको इसको बेल लेनी है, पर बड़ी बड़ी आपको बेलनी है. तो इस तरीके से मैंने यहाँ चार बेल ली है. एंड इसके बाद जो मैंने हमने यहाँ बैटर बनाया था ना, इसमें आपको अब सॉल्ट डाल लेना है. सॉल्ट हम लास्ट में इसलिए, क्योंकि सॉल्ट से पानी छोड़ता है, तो इसलिए आपको सॉल्ट जो है ना वो लास्ट में डालना है. तो यहाँ मैंने सॉल्ट डाल लिया है. इसके बाद आपको सिंपली इसको इस तरीके से आपको फैला लेना है. एंड इसके बाद ना आपको इस पर टमाटो सॉस डाल लेना है अच्छे तरीके से. इस पर मिक्स करके आपको इसको पूरा फैला देना है जिस तरीके से टमाटो सॉस अपना जो आपने बनाया हुआ है या मार्केट से ख़रीदा हुआ है अगर आपके पास है तो आप इसको लगा लो. एंड उसके बाद ना आप जितनी भी यहाँ पे मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी ना बना करके, वो चीज़ आप यहाँ ऐड कर लो. एंड आपको सिंपली इसको स्प्रेड कर देना है इसके ऊपर. एंड इसके बाद आपको एक लेयर और जो हमने बनाया था वो आप इस पर ऐड कर दो. इसके बाद अपना ग्रीन चिली जो सॉस है ना उसको ऐड कर देना यहाँ पे, और इसको जैसे किसी स्प्रेड कर देना. फिर आपको सेकंड लेयर यहाँ ऐड करनी है, यहाँ पे फिर से उसी की ऐड करनी है जो हमने बैटर बनाया था. ग्रीन चिली डालने के बाद, ग्रीन चिली का जो बैटर है चटनी है वो डालने के बाद, इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे एक लेयर लगा देनी है आटे की जो हमने रोटी बेली हुई थी. तो यहाँ पे फिर से आपको टमाटो सॉस लगा देना है. इसके बाद जो हमने फिलिंग भरी थी वो आपको ऐड कर देनी है. इसके बाद ये लास्ट लेयर है, ये लास्ट लेयर आपको ऐड कर देनी है. एंड इसको अच्छे तरीके से ना आपको फिर एजेस जो है ना वो कवर कर देने हैं आपको इस तरीके से. देखिए मैंने एजेस जो है ना वो कवर कर दिए हैं, आपको भी इस तरीके से एजेस जो है ना वो कवर कर देने हैं. तो यहाँ पे इसके बाद आप स्ट्रेनर में क्या करो ना, स्ट्रेनर में इसको आपको स्टीम करना है. तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से ऑयलिंग जो है ना वो कर लो. एंड इसके बाद ये ले जा करके आप ना स्ट्रेनर में रख दो. फिर उसके बाद आपके पास कोई भी कढ़ाई हो, कुछ भी हो, उसमें आपको इसको रख देना है आपको स्टीम होने के लिए. आपको इसको स्टीम करने के लिए रख देना है. इसको आपको स्टीम करना है कुछ देर के लिए, जिसकी वजह से ये ना अच्छे तरीके से अंदर से और बाहर से दोनों साइड से पक जाए, सारी चीज़ें पक जाए. एंड इस तरीके से आपका जो स्ट्रेनर की मैंने यह पक जाएगा. आफ्टर 20 to 25 मिनट तक आपको उसको पकाना है अच्छे तरीके से. यह आपका स्ट्रेनर में पक जाएगा अच्छे तरीके से, बाहर तरीके से पक जाएगा, अंदर भी पक जाएगा. इसके बाद ना आपको इसको अच्छे तरीके से एक प्लेट में आपको निकालना है. एंड इसको ना इस तरीके से आपको स्क्वायर शेप में आपको इसको कट कर लेना है कि ये सारे इक्वल पार्ट्स में पिज़्ज़ा की तरह कट हो जाएँ एंड आपको एक इक्वल पार्ट जो है ना वो मिल जाएँ. तो यहाँ पर आपको देखो मैंने यहाँ निकाल लिया है अच्छे तरीके से, ये आपके कट हो चुके हैं, पार्ट्स कट चुके हैं एंड ये आपका रेडी हो चुका है.
इसके बाद मैंने यहाँ आटा ले लिया है, इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया था एंड मैंने यहाँ वाटर डाला है अच्छे तरीके से, क्योंकि हम इसमें ही डिप करके ना डालने वाले हैं फ्राई करने के लिए। तो ये हमारा बैटर जो है ना वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली इसमें आपको इसको ऐड कर लेना है एंड इसके बाद ना इसमें आपको उसी तरीके से मिक्स करना है, मिक्स करके डालना है इसको। तो ये आपका बैटर जो है ना वो रेडी हो जाएगा। इससे क्या होगा ना, आपकी जो इंग्रेडिएंट है ना, जो हमने हम जो बना रहे हैं ना, वो पूरा कड़क हो जाएगा, आप क्रिस्पी हो जाएगा आपका वो इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ना लो फ्लेम में इसको पकाना है आपको अच्छे तरीके से। तो मैंने यहाँ लो फ्लेम में इसको रख दिया पकने के लिए। तो इस तरीके से आपको भी इसको लो फ्लेम में रख देना है पकने के लिए। तो ये अच्छे से अंदर से ना डीप फ्राई हो जाएगा एंड उसके बाद आपको बाहर के लिए इसको वापस से आपको ना तेज़ फ्राई में आपको इसको पकाना है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आप इसको देख लो, ये कुछ इस तरीके से हो चुका है आपका ना, रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आप इसको निकाल लो, इस तरीके से आपको सारे जो इंग्रेडिएंट ना सब आपको निकाल लेने, इस तरीके से बाहर निकाल लेने हैं एंड ये आपका क्रिस्पी नाश्ता जो है ना सुबह मॉर्निंग का ना वो एकदम रेडी हो चुका है। तो आप इसको डेफिनेटली आप इसको खा सकते हो, डेफिनेटली इसको आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हो। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छी, आप उसको खा के ना बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आने वाला है।